जन करने के लिए आपको वृंदावन जाना जरूरी है, जंगल में जाना जरूरी है, एकांत में जाना जरूरी है। कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं है, कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं है। अंतकरण, जिसके अंतकरण मन में जिसके भोग वासना, जंगल उसको क्या सुधारता है। और जिसके मन में योग वासना, भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य है, संसार उसका क्या बिगाड़ता है। संसार उसको बिगाड़ता नहीं है, है ना। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है, नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। संसार माने वासना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसको संसार कहा नहीं गया है। जो स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के रहते हैं तो वो संसार, ये ऐसा नहीं है। जो उनके मोह में फंस करके वो अपना कुटुंब, अपने प्रिय मित्र जानकर के उनके सुख संपादन के लिए समस्त कर्म चेष्टा, यह है बंधन का कारण, यह है मोह, यह है मोह, वो बंधन का कारण हो जाता है। तो संसार बंधन का कारण नहीं और जंगल मुक्ति का कारण नहीं। बंधन मुक्ति ये अंतकरण के मामला है। अंतकरण में जब तुम्हारे भगवत चरण में प्रेम प्रीति ही प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है तो ठीक है। तुम्हारे अंतकरण, तुम्हारा मान लो तुम वृंदावन में निवास कर रहे हो, है ना। अंतकरण के मामला है, ये इंद्रिय वृत्ति नहीं है, ये अंतकरण वृत्ति। भजन इंद्रिय वृत्ति नहीं, भजन एक क्रिया नहीं, भजन एक भावनात्मक, भजन अंतकरण वृत्ति। एक शरीर एक आत्मा तो भजन है अंतकरण वृत्ति और कर्म है इंद्रिय वृत्ति। कर्मकांड में कोई दोष नहीं है। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहां कृपा निधाना। बस हो गया तुम्हारा भजन, है ना। मन को रखो प्रभु के चरण में और इंद्रियों के द्वारा नौकरी समझ करके, जैसे हम नौकरी करते हैं ऐसे नौकरी समझ करके तुम संसार निर्वाह करो। हमारे कृतक हमारे कर्तव्य कर्म नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। अगर जीवन का उद्देश्य मान करके तुम कर्म में लिप्त हो जाओगे तो फंस जाओगे। कर्तृत्वपन लेकर के तुम अगर कर्म करोगे तो फंस जाओगे। वहां कर्ता बना दो प्रभु को, तुम दास बन जाओ। आप दृष्टा बन के देखो प्रभु क्या करते हैं, फिर देखो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा, है ना। तो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी तीर्थ पर्यटन करते हैं, महाप्रभु तो जानते हैं जे इनके मन में अभी भ्रम बैठ गए, जे तीर्थ तीर्थ पर्यटन करने से हमको सब कुछ मिल जाएगा। महाप्रभु उस समय बच्चा है। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी गंगा के किनारे में एक झोपड़ी बंद करके जीवन निर्वाह, जीविका निर्वाह करते हैं भिक्षा वृत्ति के द्वारा। परम वैष्णव, परम त्यागी, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति साधन के लिए जो तीन वस्तु चाहिए, निष्प्रिय, निर्लिप्त और उदासीन, तीन है तो बस कोई चिंता नहीं। घर में रहो चाहे जंगल रहो, कोई भय नहीं है। ऐसे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ऐसे निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन, समस्त सद्गुण से अलंकृत, भगवत भजन के लिए जो भी गुण चाहिए उनमें पूर्ण रूप में विद्यमान, क्योंकि प्रभु के पार्षद है ना, इसलिए तो साधन सापेक्ष है नहीं। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन काम, वैषम्य, लुलता, मद, मत्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये सब अवगुण हमें बड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे भगवती तो पार्षद जो उनके समस्त सद्गुण से अलंकृत, कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, सम, निर्दोष, वदान्न, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्व प्रकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विचित सरगुण, मितभुक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मित्र, कोपी, दक्ष, मुनि, ये सब
सद्गुण से अलंकृत होते जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के समस्त कर्म चेष्टा, तो उनके हृदय में भक्ति देवी आविर्भूत हो जाते हैं और उनके हृदय को इस तरह से सद्गुण से अलंकृत कर देते हैं। ये साधन सापेक्ष नहीं, कृपा सापेक्ष। ऐसे ही थे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी। महाप्रभु श्री बच्चा है, बड़े चंचल बालक शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, उनको तो साधन करने से थोड़ा सा तो अनुभव तो होता ही है। महाप्रभु के जो शरीर का गठन, इतने दिव्य सुंदर चेहरा, एक अलौकिक शक्ति संपन्न देखने से पता चलता है, स्पर्श करने से पता चलता है, स्पर्श करने से लगता है जैसे एक अचिंत्य एक आनंद सागर में जैसे डूब रहे हैं। भागते भागते गंगा स्नान करते करते शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में आ जाते हैं महाप्रभु छोटे से बालक। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी देखते हैं कि अलौकिक छटा, न जाने कि ये क्या एक शक्ति लेके बालक आया है। स्पर्श करने से ही जैसे हृदय में एक अलौकिक शिहरण जागृति हो जाती है, कौन है ये बालक। फिर भी शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी उनको कभी धूल धूसरी तो तनु है उसको साफ कर देते हैं, साफी के द्वारा पोंछ देते हैं, मस्तक को पोंछ देते हैं, साफ शुद्र कर देते हैं, बड़े आदर करते हैं, गोदी में बैठा। ऐसे महाप्रभु, जब महाप्रभु भी घूम घूम के जाते थे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के वहाँ, कुछ भिक्षक जो भी कुछ थोड़ा सा मिठाई पिठाई मिलता है वो दे देते थे और बड़े आनंद से महाप्रभु ले करके चलते थे। ऐसा करते करते महाप्रभु तो अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी जो है, महाप्रभु तो जानते हैं भगवान है, वो तो सब जानते हैं। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को एक दिन कहते हैं, जो तुम्हें तीर्थ तो पर्यटन करते हो, इसमें तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, एक पत्र भगवत भजन से ही जो भी मिलना है वो भगवत भजन से मिलना है, इसीलिए छोड़ो ये चक्कर, भजन करो भजन करो। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी भी देखते हैं तीर्थ पर्यटन तो खूब कर लिया, थक गया, आप कैसे भी हो जीवन मानव तनु एक बार सफल हो जाए, एक बार भगवत दर्शन हो जाए, थक गया तीर्थ पर्यटन करते करते। तीर्थ में क्या है, वो तो है तो हृदय में, घूमने से क्या होता है, जो मिलेगा यहाँ मिलेगा, जो मिलना है यहाँ मिलेगा। मन को बाहर लेके घुमाने से क्या होता है, मन को भीतर में प्रवेश कराना है, हृदय रूप गुफा में मन को प्रवेश कराना है, मन को शरीर को मिट्टी के नीचे गुफा में घुसाने से कुछ नहीं होता है, मन रूप गुफा में घुसना पड़ेगा, आंख को खोलने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई कोई सोचते हैं ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ भजन होगा, अच्छा है, सुंदर जंगल वंगल है, सरोवर है, पेड़ लत्ता पत्ता सुंदर है, एकांत है, कुछ नहीं, वो किंचित कुछ समय के लिए। तुम क्या देख रहे हो, इंद्रियों के द्वारा प्रकृति को देख रहे हो, देखना बंद करो, आंख बंद करो, तुम ये सुंदरता कुछ समय के लिए तुमको मोहित कर सकता है, भजन करने के लिए तुमको अंतर्मन होना पड़ेगा, मन रूप आंख को बंद करना पड़ेगा, आंख को खोलने से काम नहीं चलेगा। आंख खोल के बारे बड़ी सुंदर जगह, यहाँ भजन करने से ना जाने हमको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। दो दिन रहते रहते वो जगह एक साधारणीकरण हो जाता है, साधारण में चलो यहाँ से फिर चलो, तो ये माया है। कुछ समय के लिए ऐसे मन होता है जो हमको ना जाने, ये एकांत स्थान है, ऐसे सुंदर प्रकृति का परिवेश बड़ी सुंदर है, लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं, वहाँ तो आँख को तुमको बंद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं, आँख को बंद करना पड़ेगा, कुछ मिलना है तो, है ना। तो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी देखते हैं बात तो सही है, आप छोड़ दिया, इतना में महाप्रभु तो आप अपने को प्रकट करेंगे, इतना दिन तो महाप्रभु अपने विद्याभ्यास में निमग्न रहे, शास्त्र चर्चा इसमें ही अपने
सारा दिन डूबे रहते थे, लेकिन आप सोचे हैं अब हमको जिस कर्म के लिए हम आए हैं, जिस उद्देश्य लेकर के हम आए हैं, उस उद्देश्य संपादन के लिए हमको आप अपने आप को प्रकट करना है। महाप्रभु अपने माँ से अपने पत्नी से आदेश लेकर के चले हैं गया की ओर। जब पहले पितृ श्राद्ध करके गया में पिंड दान करके फिर जाके हम अपने आप को प्रकट करेंगे। गृहस्थाश्रम लीला जो महाप्रभु किए हैं, इस समय महाप्रभु को देख के कोई ये कह नहीं सकते थे कि इनके भीतर कुछ भक्ति नामक कोई पदार्थ है। श्रीवास पंडित, मुकुंद आदि जो भक्त हैं सब कितना बार कहें, अरे निमाई पंडित ये शास्त्र चर्चा करके क्या होगा, विद्वत्ता का फल क्या है? विद्या का फल है भगवत चरण में भक्ति। अगर ऐसे नहीं होता है तो ओ विद्या अविद्या सा विद्या तन्मतिर जया तत्कर्म हरितोषण। कर्म क्या है? हरितोषण, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण है। सा विद्या तन्मतिर जया, विद्या क्या है? तन मतिर जया, जिसमें भगवत चरण में मति रति उत्पन्न होती है, यह है तुम्हारा विद्या। नहीं तो बाकी विद्या बंधन का कारण है, अहंकार का कारण है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, विद्या उस काम में, विद्या कोई काम में आने वाला है नहीं, है ना। तो महाप्रभु गया गए हैं पिंडदान करके, फिर ईश्वरीपुरी पास से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उनके भीतर वो परिवर्तन आ गया। बस एकदम तीव्र वैराग्य, तीव्र अनाशक्ति, आर कृष्ण प्रेम में मतवारा, अष्ट सात्विक विकार, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार जो भगवत प्रेम प्राप्त करने से उसके अंदर ये बहुत सारे विकार देखने में आता है, जो साधारण मनुष्य में ये देखने में आता नहीं है। ऐसे महाप्रभु जब आए हैं, आप विद्वत्ता का कोई बात नहीं, हर्ष हा कृष्ण बोल के रोते हैं, ऐसे अश्रुधारा बहाते हैं, वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं अश्रुधारा से। बड़े बड़े पंडित आए हैं, श्रीवास पंडित आदि सब आए हैं, निमाई पंडित का क्या हो गया, बड़ा सुंदर अच्छा था विद्याभ्यास में, पंडितताई में अपना बड़ा आनंद लेते थे, अब ये क्या परिवर्तन आ गया, ऐसे रोते हैं हा कृष्ण बोल के, ऐसे विलापमय क्रंदन जो देख करके सभी विचलित तो हो जाते हैं। जो इतनी भक्ति, ये प्रेम धारा, ये तो हम लोग कभी देखे नहीं है। तो महाप्रभु, श्रीवास पंडित, फिर तुम्हारा और गदाधर, फिर तुम्हारा और जो जितना भक्त हैं सबको कहें, जो आप काल आप लोग आना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के वहाँ, वहाँ हमारे मन की जो व्यथा ये आप लोग उनको हम निवेदन करेंगे। इतने में महाप्रभु के परिवर्तन देख करके वहां तो हल्ला हो गया, चारों ओर जितना महाप्रभु के पार्षद थे सबके भीतर ये प्रचार हो गया। जब निमाई पंडित में इतने परिवर्तन आ गया, और वैष्णवता के चरम सीमा, वैष्णवता उसके चरम सीमा, जो वो घमंडी निमाई पंडित जो किसी को मानते नहीं थे, आप देखो सबके चरण छूते हैं। भक्ति देवी का स्वभाव ऐसा है, जिन पर भक्ति देवी की कृपा होती है वो भी ऐसे ही झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। ये झुकना जब आ गया तब समझना आप भक्ति देवी की कृपा हो रही है। जब तक झुकना नहीं, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़ा वैष्णव हैं, तो समझिए उस हृदय में अभी भक्ति देवी अभी अधिष्ठित हुए नहीं है, बैठे नहीं है। भक्ति देवी जब भी आएंगे तभी विनम्रता आ जाएगी। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है, जिनके भीतर भक्ति देवी कृपा करती हैं वो भी इस तरह से झुक जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको अपने प्रणम्य मानते हैं, सबके भीतर प्रभु है जान करके, सबके प्रति श्रद्धा विनम्रता दीनता अदर्श दूर्शिता ये सद्गुण से अलंकृत हो जाते हैं। साधारण नहीं, छोटा बनना साधारण नहीं, कृपा से होता है, जिसके प्रति कृपा नहीं वो थोड़ी होगा। तो वैष्णव जब हो जाते हैं तो सबको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं,
सब ब्राह्मण चंडाल कुक्रांत करी दंडवत करी बेग बहुमान्य करी एई से वैष्णव धर्म सबारे प्रणति सेई से धर्मध्य इति जार नाही मती बांग्ला पयार है बोलते ब्राह्मण आचंडाले ब्राह्मण से चंडाल तक कुक्रांत करी कुत्ता बिल्ली आदि दंडवत करी बेग बहुमान्य करी बहुत सम्मान के साथ सबको दंडवत करना क्यों सबके भीतर प्रभु विराजमान है मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति भगवान सबके भीतर जीव चैतन्य सत्ता रूप में विराजमान है जानकर सबको प्रणाम करना ब्राह्मण चंडाल कुक्रांत करी दंडवत करिबे बहुमान्य करी ऐ से वैष्णव धर्म ये वैष्णव धर्म है सही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति सबको प्रणाम है निर्विशेष ये नहीं ये छोटी जात है ये बड़ी जात है ये बच्चा है ये वृद्धा है ये अनपढ़ है गमार है पंडित है ऐसे नहीं जो भी हो कैसे भी हो अच्छा है हमसे अच्छा है कैसे भी हो हमसे अच्छा है मौसम कौन कुटिल खलकामी जाहे तन दियो ऐसे ताहे बिस्रायो ऐसे निमखारामी महाप्रभु कैसे स्थिति आ गई सब कहते हैं देखो महाप्रभु के भीतर निमाई पंडित के भीतर ऐसे परिवर्तन आ गया है आप वैष्णवियों समस्त संलक्षण से अलंकृत हो निमाई पंडित का दशा देख करके हम लोग चकित हो जाते हैं भाई काल कहे शुक्लांबर ब्रह्मचारी को आने के लिए चलो हम लोग जाएंगे सदाशिव कविराज गदाधर पंडित आदि श्रीवास पंडित सबको निमंत्रण दिए हैं सब जाके बैठे हैं जो महाप्रभु ना जाने क्या कहेंगे महाप्रभु जा करके ही बस ऐसे भाव दशा कभी पछार खाते हैं ऐसे धरित्री महाकृष्ण बोल करके ऐसे भाव विकार सब तो देख करके एकदम दन हो गए जी ऐसे प्रेम निमाई वही दाम्भिक निमाई पंडित जो किसी को मानते नहीं थे जन जो अपने को विद्वत्ता अभिमान में मत हो करके किसी को मानते ही नहीं थे आज इतनी विनम्रता फिर सब सबके भीतर ऐसे प्रेम संचारित हो गया सब रोना पीटना शुरू किए हैं ये प्रेमाश्रु कोई दुख नहीं कोई कष्ट नहीं ये तो ये आनंद के चरम सीमा जब आनंद एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं तब जाकर क्रंदन आ जाता है ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान जब आनंद एक चरम सीमा में पहुंच जाता है उस समय वो रो देता है फुट करके रो देता है ना आनंद अभिव्यक्ति वो आनंद हो इतना प्रकाश क्या करेगा रो देता है ऐसे देखा गया बहुत प्रेम शर्म में रहते थे एक बार बम्बई के एक सेठ आया है आकर के हम बोले कैसे हैं आप कैसे हैं तो फुट फुट करके रोना शुरू कर दिया हम बोले भाई इतने बड़े पैसा वाला सेठ ये रो रहा है क्यों क्या तकलीफ है क्या दुख है कुछ कारण तो हमने घबरा गए जी ये रो क्यों रहे हैं भाई फुट फुट करके रोना शुरू कर दी तो हमने तो घबरा गए फिर कुछ समय जब सब प्रकृतिस्थ हो गए सब अभी तो हमने प्रश्न किया जो आप रो रहे हैं क्यों क्या बात है क्या दुख है आपको क्या कष्ट है बोलते हमारे एक पोता हुआ है उनका एक पोता हुआ है उस आनंद में रो दिया हाय भगवान देखो कहाँ कृष्ण बोल के रोएंगे कहाँ पोता हुआ है उस आनंद में रो रहे हैं लेकिन ये आनंद ये अश्रुपात वो अश्रुपात नहीं जब आनंद एक सीमा अतिक्रमण कर जाता है तभी जाकर के हा कृष्ण बोल करके ऐसे धारा बहती है जिसको ये धारा बहती वो जानता है वो आनंद वहां कोई दुख नहीं वहां दुख का कोई संभावना नहीं लेकिन बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे वो बहुत दुखी है ये है कृष्ण प्रेम के ये एक अद्भुत एक विपरीत धर्मी एक स्थिति विपरीत मुखी स्थिति देखने में वास्तव में ऐसा नहीं है वो प्रेम वो अश्रुधारा कहीं बंद हो जाए ना पागल हो जाएगा
हमारे पास एक आए थे, हम प्रेम सरोवर रहते थे, एक मैया, वो सारा ब्रजमंडल घूमते, कोई बड़े संत हैं तो उनसे उनका कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं, हमारे पास आए हैं, हमको हम ऊपर में एकांत में रहते थे, हमारे पास आए हैं, तो संत देख करके आए हैं। हम बोले, बोलिए मैया क्या बात है? नहीं बाबा, एक जिज्ञासा लेके आए हैं, आप बताइए, आप बता सकते हैं हमारी दुर्दशा का कारण क्या है? हमारे क्या है मैया बताओ। तो बाबा, पहले हम इतने भगवत नाम से कीर्तन में इतने रोते थे, इतनी भाव विभावित तो हो जाते थे, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हमारा अचानक हमारा वो अश्रु बंद हो गया, वो भाव बंद हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। आप कौन अपराध के कारण ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति आ गई है बाबा, आप कृपा करके बताइए, इतने दुखी हो गए। तो अश्रुपात ऐसा नहीं है, वो बंद होने से वो साधक पागल हो जाता है, हमारे अश्रु धारा बंद क्यों हो गया? तमने हमने पूछा जी क्या बात आपने, क्या कुछ ऐसे अपराध किए थे? बोलते हमारे पास एक संत आए थे, संत आके ये माया है, माया है, कभी कभी अच्छी स्थिति से गिराने के लिए कभी कभी माया नाना प्रकार रूपरेखा बना करके आते हैं। एक संत आके पूछते हैं, अच्छा आपके अद्भुत भाव दशा कैसे हुई है, क्या साधना की आपने, कौन सा तप किए हैं बताएंगे, आपकी इतना दुर्लभ स्थिति? तो कहते हैं बाबा क्या कहूँ, ये स्थिति, हम निर्जला व्रत करते हैं, हम इतना इतना घंटा तो हम साधन करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस उस साधु अदृश्य हो गया, तब से उनका भाव दशा खत्म। माने ये जो भक्ति भाव है ये तो कृपा सापेक्ष है, तुम्हारे साधन से थोड़ी मिलेगा, लेकिन वो समझ लिया हमारे साधन चेष्टा के द्वारा हमने के कठोर साधना करके हमने प्राप्त किया है, ये अहंकार भक्ति में अंतरित हो गए हैं। वो तो अहित की कृपा है ना, भक्ति अहित की कृपा। तो हमने कहा नहीं, हम तो समझ गए हैं, तो भक्ति देवी नाराज हो गए, अहंकार आ गया, हम साधन चेष्टा के द्वारा हम प्राप्त किए, वास्तव में ऐसे नहीं, वो तो कृपा सापेक्ष है। तो महाप्रभु गए हैं ऐसे प्रेम चेष्टा देख करके सब पागल प्राय हो गए हैं, फिर सबको गला पकड़ करके महाप्रभु रोदन करते हैं, गदाधर तुम्हारे जीवन धन्य है, हमने तो वृथा पंडित तो अभिमान लेकर के हमने ये पंडितताई में हमारे जीवन बिता दिया, अगर उस समय हम भजन करते ना जाने कितना कल्याण होता, हमारे जीवन तो हमने वृथा गमा दिया। ऐसे दैन्योक्ति, गदाधर भी रो रहे हैं, गदाधर है महाप्रभु के प्रिय पार्षद, गदाधर को पकड़ के रो रहे हैं, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को गला पकड़ के रो रहे हैं, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी भी देखे हैं, जो आप निमाई पंडित हो, निमाई पंडित नहीं है आप तो, वो एक असाधारण एक महापुरुष रूप में वो सबके सामने प्रकटित हुए हैं। उसके बाद श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के वहां जा करके महाप्रभु आपने को प्रकट किए हैं, वहां आपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं सबको, सब भक्त को बुला बुला करके आपने दिव्य स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को भी बुलाए हैं, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को कृपा किए हैं, तो तब से शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी देखे हैं, जो आप हमको तो मिल गया है, हमको जिसके अनुसंधान में हम अपने जीवन तीर्थ तीर्थ पर्यटन करते हुए अपने कीमती समय को हम नष्ट किए हैं, अब वो मिल गए हैं, निमाई पंडित रूप में हमको मिल गया है, वो प्रेम पुरुषोत्तम के सान्निध्य हमको मिल गया है, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। एक दिन महाप्रभु आकर के भिक्षा करके लाए, उनके झोली से एक मुष्टि चावल लेकर के, वो मैला कुचला वो चावल धोया भी नहीं है, एक फाक खा लिया, एक फाक खा लिया, जैसे सुदामा विप्रकर्ण भगवान खाए हैं इस तरह से खा लिया। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी तो बहुत कष्ट पाए हैं, प्रभु ऐसा आप, ये मैला चावल है प्रभु, ये आपके लायक नहीं है, आप ऐसे क्यों खा रहे हैं प्रभु, ये तो औचित्य है नहीं। तो बोलते हैं शुक्लाम्बर, हम तुम्हारे एक दिन प्रसाद पाएंगे,
सुख भिक्षा करके लाते हैं तो कुछ तो है नहीं, भिक्षा करके जो भी वस्तु मिलता है, कभी तो साग सब्जी है नहीं तो ऐसे ही चावल को उबाल करके नमक देके उसी को ही भोग लगाते हैं। जद्रि चलव संतुष्ट दंधातिद विमत्सरा सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धते, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट, ऐसे जो है वो भगवत भक्त बन सकते हैं। जो असंतुष्टि वो कभी भक्त बन नहीं सकते हैं। जदृच्छ लाभ संतुष्ट, जैसी भी परिस्थिति आ जाए ये प्रभु की कृपा जान करके उसमें संतोष धारण करना चाहिए। जदृच्छ लाभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सर, दंधातीत हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये दंध है, इसमें समचित्तता। विमत्सर किसके प्रति मत्सरता नहीं। सिद्ध असिद्ध कृत्य भी न निबद्धते, सिद्धि हुई या नहीं हुई या इसमें कोई उनका फर्क नहीं पड़ता है, जानते हैं प्रभु की इच्छा, तो उनके लिए कोई बंधन है नहीं। शुक्लाम्बर ब्रह्मचर्य ऐसे हैं, महाप्रभु कहे हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। जो द्वापर युग में जब कुरु पांडव का युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में दुर्योधन तो थोड़ा दुष्ट प्रकृति और कृष्ण भी उनके भाई है, अपने फूफी का लड़का है, अर्जुन का भी है जैसे अर्जुन का भाई ऐसे दुर्योधन का भाई, तो सभी चाहते कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाए। तो कृष्ण तो पंच पांडव के पक्ष में है लेकिन ये घोषणा नहीं किए हैं। आप दुर्योधन सोचे हैं कि भाई हम कृष्ण को बहला फुसला करके हमारे अगर पार्टी में ले आए तो हमारा काम तो बन जाएगा, फिर पांडव हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं बिगड़ सकता है, तो क्या करेंगे ना, इसको कृष्ण को इस तरह से हम सेवा करेंगे जो सेवा देख करके वो ऐसे प्रसन्न हो जाएगा, जो एकदम अंधा समर्थन करेगा हमको। अंधा माने क्या, अंधा तो कुछ दिखता नहीं है, जिसको अच्छा लगता है उसको समर्थन करते, इसको कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर, अंधा समर्थक है, अंधा आंख में दिखता नहीं है, जिसको मन चाहता है ऐसे अंधा समर्थक बन जाएगा। तो कृष्ण को निमंत्रण किया, कृष्ण तुम हमारे यहाँ प्रसाद पाना। बोले कब पाओगे, बोले तुम जिस दिन निमंत्रण करोगे हम आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वस्तु सब आयोजन किए हैं, जहाँ जो वस्तु अच्छा मिलता है और जितना दूर से हो वहाँ से वही वस्तु ले आए हैं। रसोई कर ना जाने कहीं बम्बई से, कहीं कलकत्ता से, कहीं वहाँ से बड़े बड़े हलवाई कर ले आए हैं, जो ऐसे ऐसे वस्तु बनाएंगे जो कभी कृष्ण खाया नहीं है। वो क्या ग्वारिया गमार था, वो क्या खाएंगे है? वो तो खाने वाले हैं सास और रोटी खाने वाले हैं, सास और बाजरा के रोटी और छाछ खाने वाले हैं, वो क्या खाएंगे, तो ऐसे खिलाएंगे जो खा के मोहित हो जाएगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अच्छा अच्छा हलवाई कर जहाँ जहाँ जो वस्तु बनाने वाला हलवाई कर ले आए हैं, हायर करके ले आए हैं, ऐसे ऐसे वस्तु बनाए हैं जो भूमो लोक में वो देखने में, खाना तो बहुत दूर की बात है, वो देखने में भी आता नहीं है। ऐसे ऐसे दिव्य वस्तु सब इस तरह संग्रह किए हैं, इस तरह कृष्ण को निमंत्रण किए हैं। कृष्ण तो निमंत्रण स्वीकार किए हैं, अब आएंगे कृष्ण। इधर क्या किया, तोरण बनाया, तोरण सजावट किया, गेट इतना सुंदर सजावट किए हैं, चारों ओर फूल बिछाए हैं और चारों ओर सब सुंदरी स्त्रियां, सब एक ही पोशाक, एक ही रंग के, एक ही डिजाइन के पोशाक पहने हुए हैं, सब एक ही सजावट, सब एक ही शंखध्वनि, शंख लेकर के सब शंखध्वनि करेंगे। माने कृष्ण को मोहित करने के लिए जितना प्रकार उनके मानसिक चेष्टा सब इस तरह से अपने चेष्टा में कोई कमी नहीं रखे हैं। फूल वर्षण के लिए अलग रखे, उधर जागिक ब्राह्मण को बुलाए हैं, चारों ओर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के शब्द सब स्वाहा स्वाहा हो रहा है, कृष्ण आ रहे हैं और शंखध्वनि, ऐसे शंखध्वनि और चारों ओर ऐसे दिव्या सब अनिंदा सुंदरी सब हस्तिनापुरवासी सब स्त्रियां ठड़े हैं। कृष्ण देखते हैं इसमें तो कोई प्रेम नमक कोई पदार्थ तो है नहीं, ये तो दिखावा है,
और दिखावा प्रेम, भगवान तो इसको पसंद नहीं करते हैं। भगवान प्रेम से भगवान शिकार करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं त्वांग जो मे भक्ता प्रजच्छति तदाहं भक्त परितमस्नामि प्रजातात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी प्रेम पूर्वक भक्त हमको उपहार देते हैं, उनके प्रेम प्रदत्त उपहार मैं स्वीकार करता हूँ प्रेम पूर्वक। लेकिन अहंकार से जो देते हैं ये वस्तु, हम कभी मूर्ख भी नहीं देखते हैं। तो कृष्ण देखते हैं इसमें अहंकार भरा हुआ है, आर्य स्वार्थ प्रणोदित, इसमें स्वार्थ ही कारण है। हमारे खिलाना उद्देश्य नहीं, हमको पटाना उद्देश्य है। तो कृष्ण बहाना बनाएंगे, खाना ही है नहीं। ओह पेट में बड़े दर्द, भाई दुर्योधन भाई सुबह से ऐसा मरोर हो रहा है पेट में। क्या होगा भाई, क्या हुआ भाई कृष्ण, क्या हुआ भाई सुबह से, क्या जाने उल्टी उल्टी हो रहा है, पानी पीने का जगह नहीं भाई। तो अच्छा भैया ठीक है, हम वैद्य बुलाते हैं, कुछ जड़ी बूटी दे देंगे खा के तुम्हारा अभी सब आपस ठीक हो जाएगा। बोले नहीं भैया ये होने वाला है नहीं, आज तो कुछ खाया नहीं जाएगा, हमारा एकदम बिल्कुल पेट में बड़ा भारी दर्द हो रहा, पेट फूल गया, देखो पेट फूल गया। तो दुर्योधन सोचे भाई हम इतना पैसा खर्च करके, इतना कष्ट करके, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हलवीकर बुला करके, कैसे कैसे दुर्लभ वस्तु सामग्री हमने उपकरण आदि संग्रह किए हैं, कृष्ण एक बार खाते तो भूल जाते वो तो देखा ही नहीं कभी ग्वारिया है, क्या खाएंगे वो, ऐसी धारणा। तो बोलते नहीं भैया हम तो खाएंगे नहीं भाई, आज किसी भी कीमत पर हमको खाया नहीं जाएगा। हम वचन देते हैं फिर आएंगे, दुर्योधन तुम दुखी नहीं होना, हम फिर आएंगे, हम प्रसन्न है प्रसन्न है। बोल करके मौका भी नहीं दिया, वहाँ से सीधा चल दिया। भूख तो लग रहा जम के, बड़ा जम के भूख लग गया, वो तो बहाना बना के आ गया। चले गए विदुरानी के यहाँ, विदुर तो गए भिक्षा करने के लिए, गरीब विदुर हैं, शूद्र हैं विदुरानी, घर में कोई है नहीं, घर में के भीतर ही कुआ है, वहाँ विदुरानी निर्वस्त्र होकर के निसंकोच नहा रही है। और कृष्ण जा करके पुकार रहे हैं, उनके पुकार सुन करके कृष्ण को देखते ही कृष्ण कृष्ण तुम आए, कृष्ण तुम आए, भूल गए जो हम निर्वस्त्र है, ये भूल गए, ध्यान तो बहुत शून्य हो गए, हाथ पकड़ के भीतर ले गए, आ जाओ कृष्ण आ जाओ। कृष्ण देखते हैं जो ये तो ध्यान तो बहुत शून्य हो गए हैं, अपने उत्तरीय पीताम्बर को उड़ा दिए हैं अपने शरीर के ऊपर, चलो भीतर ले गए हैं। ले करके वहाँ एक चौकी है उल्टा करके बैठा दी, बैठो 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 कृष्ण। और कृष्ण का मुख चंद्रमा देख रहे हैं, मुख चंद्रमा देख रहे हैं, वहाँ विमुग्ध हो करके अचिंत आनंद, अचिंत एक प्रेम माधुरिमा में इस तरह से निमग्न हो रहे हैं विदुरानी। घर में गए, केला लाए, देखते केला, केला ला करके कृष्ण के मुख चंद्रमा को दर्शन कर रहे हैं, और केला को छील करके ख्याल नहीं हम क्या खिला रहे हैं, केला के भीतर को सार को फेंक रहे हैं और छिलका को खिला रहे हैं। खाओ कृष्ण खाओ कृष्ण खाओ, कृष्ण ही छिलका खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी इतने में आ गए हैं, देखते हैं घर के अंदर केला पड़ा हुआ है, सार छिलका है नहीं। अरे भाई छिलका रहता है तो ये जानते हैं तो किसी ने केला खाया, छिलका है नहीं केला पड़ा है, ये कौन सा डिजाइन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, केला पड़ा है छिलका है नहीं, ये कौन सा काम है भाई, छिलका पड़ा रहता तो समझते थे किसी ने केला खाया छिलका फेंक दिया। भीतर में जा करके वही दृश्य देख रहे हैं, विदुरानी ऐसे देख रहे हैं भगवान के नेत्र से नेत्र मिला करके, प्रेमाश्रु बह रहा है विदुरानी के, प्रेमाश्रु बह रहा है, कृष्ण तुम आए, कृष्ण कृष्ण तुम आए, कृष्ण हमारे दरिद्र के घर तुम आए, कृष्ण खिला रहे हैं छिलका ही खिला, कृष्ण छिलका खा रहे। विदुरानी ये दशा देख करके, विदुर जी तो भीतर गए, जा करके ये दृश्य देख रहे हैं, देख रहे हाय हाय तुमने क्या किया, कृष्ण को तुमने छिलका खिला रहे हो, ये प्रेम है,
तब उनको बाह्य दशा आई है। विदुरानी कह रही, वास्तव में तो हम क्या खिला रहे हैं, रोना शुरू किया है। बैठो बैठो कृष्ण, मैं अभी ला रहा हूँ। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हम तृप्त हो गए हैं, इतने सुंदर इतने प्रेम से ऐसे आज तक हमको किसी ने खिलाया नहीं। आज जो वस्तु हमने जो तृप्ति के साथ हमने जो प्राप्त किए हैं, ऐसे वस्तु जीवन में हमने कभी खाया नहीं है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, है ना, भगवान वस्तु के भूखे तो नहीं है। तो विदुर के वही शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को वही सूखा चावल भगवान मुख में दे करके चिबो रहे हैं, बड़े दुखी हो गए हैं। तो भगवान देखते हैं तो दुखी हो गए हैं, तो इनको सुखी करना है, भक्तों को सुख संपादन करना ही भगवान की इच्छा। भगवान सेवा क्यों लेते हैं, भगवान का क्या जरूरत है? सेवा जैसे आहार विहार शयन आदि निद्रा आदि, ये सब भगवान में थोड़ी है। वो तो सदा जागृत, वो तो आत्मारम आप्त काम पूर्ण काम, उनका कभी भूख प्यास है, लेकिन भक्त के लिए भूख प्यास हो जाता है भगवान। भगवान भूखे हो जाते हैं, भक्त के भाव से भगवान भावित हो जाते हैं। ये नाटक नहीं, ये कल्पना नहीं, ना भगवान सिर्फ भक्तों को सुख संपादन के लिए ही भगवान नाटक करते, बोले नाटक नहीं, स्वाभाविक भगवान में भूख लग जाता है, भगवान भूखे महसूस करते हैं अपने आप को, है ना। तो बोलते हैं, देखते हैं दुखी हो गया, बोलता है तुम्हारे यहाँ हम काल प्रसाद पाएंगे, ये तो और झमेला हो गया, जहाँ हम तो भिखारी हैं, आप कैसे उनको अपन प्रभु को अपने हाथ से कैसे खिलाएं, तो क्या किए हैं, और कुछ सामान सट्टा कुछ है नहीं, ना तेल है ना मसाला है ना सब्जी है ना कुछ है ना घी है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे। महाप्रभु बोलेंगे हम आएंगे दोपहर के समय, तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। तो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी क्या किए हैं, चावल धो करके इसको अलग से ऊपर से डाल दिए हैं उबला हुआ पानी में, और गर्भ थोर कहते हैं, थोर केला का भीतर का जो एक सार पदार्थ होता है, केला का भीतर, केला का पेड़ है ना, पेड़ के भीतर वो थोर कहते हैं उसको, एकदम भीतर में सफेद सा नरम नरम होता है, वो बंगाल में उसका कोई प्रचलन है, उसका सब्जी बनता है बढ़िया, उसका ये प्रचलन इधर नहीं है, हमारे बंगाल में उसका सब्जी बनता है, बढ़िया सब्जी बनाते हैं। तो उसी को ऊपर से डाल दिए हैं, तो महाप्रभु खाएंगे, हम अस्पृश्य है, हम महाप्रभु के सेवा के लायक नहीं है, हम बनाएंगे कैसे खाएंगे। अपने मूर्ति की हीनता, एक दीनता, एक विनम्रता, एक अयोग्यता, ये भक्ति देवी के ये कृपा है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि, ये प्रेम मार्ग ऐसा है, अयोग्यता बुद्धि। महाप्रभु का हम तो अधिकार नहीं है, हमारे तो उनके रसोई करेंगे हम, इतना तो योग्यता अधिकार है नहीं, इतना शुद्धता है नहीं, तो ऊपर से ऐसे बनाए हैं। इतने महाप्रभु आ गए हैं, महाप्रभु आ गए हैं, तो महाप्रभु ही हंडी को कपड़ा से उतर दिए हैं, उतर करके महाप्रभु ही जब उनको ज़्यादा अब ज़्यादा उनको व्यतीत मत करो, फिर महाप्रभु ही थोर उसमें नमक से मिला करके चल के बोलते हैं, शुक्लाम्बर हमने जीवन में इतनी इतनी स्वादिष्ट वस्तु हमने जीवन में कभी खाए नहीं, तुम्हारे थोर और अन्न का जो इतने स्वाद, ये स्वाद हमने जीवन में कभी खाए नहीं है, आज हमको दिव्य स्वाद मिल रहा है, एक अद्भुत स्वाद ने? भक्त का भाव, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, द्रव्य से भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं, भगवान तो भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी वहाँ महाप्रभु प्रेम से उसको शिकार किए हैं। उसके बाद शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी कहते हैं, प्रभु हमने तो जीवन भर बहुत तीर्थ पर्यटन किए हैं, बहुत घूमे हैं, कुछ नहीं मिला, बहुत परिश्रम किए हैं, तीर्थ बार बार तीर्थ पर्यटन कह रहे हैं। महाप्रभु देखते हैं जिनके मन में थोड़ा सा घमंड है, जो हमने बहुत तीर्थ पर्यटन करके बहुत पुण्य कमा लिया, कहने का मतलब है कि ये तीर्थ पर्यटन का जो फल है, फलस्वरूप हमको तुम कृपा करो,
अब ये नहीं कह रहे हैं हमको कृपा करो, माने हम बहुत तीर्थ परिजन किए हैं, खूब परिश्रम किए हैं, महाप्रभु जान गए हैं, तो बोलते हैं देखो तीर्थ यात्रा परिश्रम इसमें कुछ नहीं होता है, तुम तो कुछ नहीं किया, वो प्रेम प्राप्ति के लिए तीर्थ पर्यटन से थोड़ी मिलता है, वो तो भाव से मिलता है। इसलिए तुम जो अभिमान कर रहे हो जो तीर्थ पर्यटन किया है हम खूब, हमारे प्रति कृपा तो हो जाएगी, ऐसा होना संभव नहीं है। सुन करके रोते रोते वहाँ जी हमारे पति, तब हमने हमारे जीवन बिता गया, हमने बिता ही तीर्थ पर्यटन किया, हमने बिता ही तप तपस्या किया, हमने बिता ही जीवन व्यतीत किया, हमने बिता ही परमार्थ के लिए हमने अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत कर दिया, ऐसे रोते रोते गिर गया। तब महाप्रभु फिर करुणा दृष्टि से उनको छाती में लगा लिए, चाप हम तुमको प्रेम दे रहे हैं, तुम्हारे जो सरलता, तुम्हारे जो निष्ठा, तुम्हारे जो भीतर में जो तुम्हारे भगवत निष्ठा, भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारे भीतर जो व्याकुलता, भगवत प्राप्ति के प्रधान, वो प्राप्ति के प्रेम प्राप्ति के प्रधान वस्तु है उत्कंठा व्याकुलता, साधन तपस्या नहीं, इसमें व्याकुलता, व्याकुल हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, कैसे ही हो हमको चाहिए, ये व्याकुलता उत्कंठा ही यह है भगवत प्रेम प्राप्ति का एकमात्र कीमत। लोलंच मूल्य एव ही केवलम, लोलता मन लालसा ही वो भगवत प्रेम प्राप्ति का एकमात्र साधन है, तप तपस्या नहीं, जप तप उपासना ध्यान धारणा समाधि ये सब नहीं, तीव्र व्याकुलता, वो चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, लोलंच मूल्य एव ही केवलम, एकमात्र लोलता ही एकमात्र मूल्य है। तो प्रेम प्राप्त करके तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी तो कृतकृत हो गए। फिर महाप्रभु उसके बाद तो चले गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी गए हैं तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी कभी कभी महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए, कभी कभी जो सब जाते थे महाप्रभु के सान्निध्य, चतुर्मास व्रत उद्यापन के लिए जाते थे महाप्रभु के पास, शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी जाते थे। इस तरह से शुक्लांबर ब्रह्मचारी जब तक महाप्रभु अपने लीला प्रकटकालीन लीला विलास की है तब तक तो थे, उसके बाद महाप्रभु के अंतर ध्यान के बाद शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी अपने नवद्वीप धाम में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आज के कथाएं विश्राम, फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे, जैसे महाप्रभु की इच्छा तदनुसार फिर हम लोग आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि गौर।